मछली मारने वाले ये अंग्रेजों के दलाल हैं, कोई भी गरीब और जाति, इसलिए जो इस तरह की टिप्पणी किया है वो निर्भया से ज्यादा रेपिस्ट है। इसलिए लड़ाई आर पार है और लड़ाई में कोई समझौता अब नहीं होगा। इनके पास हिंदू मुसलमान और देश के बांटने के अलावा अब कोई चारा नहीं है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। CANRC को लेकर के आज भारत बंद है। भारत बंद की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। तस्वीर है पटना के दरबंगला चौराहे की, जहां पर पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में नजर आए सड़कों पर। पप्पू यादव भी मौजूद थे। आपको बताएं कि अपने आवास मंदिरी से निकल करके पप्पू यादव दरबंगला चौराहे पहुंचे, जहां पर उनके समर्थकों ने जो आसपास की जो दुकानें थी उनको भी बंद कराया। आपको बताएं कि आज वाम दलों का भारत बंद है और इसमें बिहार की तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एक साथ नजर आ रही हैं। देखिए किस तरीके से पप्पू यादव के समर्थक दुकानों को बंद करवा के बंद को सफल कराने की कोशिश कर रहे हैं और पप्पू यादव ने इस बंद के दौरान क्या कुछ कहा है, सुनिए। मारने वाले ये अंग्रेजों के दलाल हैं और जो कहते हैं बेटी को सड़कों पर उतार दिए और माँ बहनों को, बेटी माँ कोई जाति धर्म नहीं होता, वो पप्पू यादव की भारत की माँ होती है, कोई भी गरीब और जाति, इसलिए जो इस तरह की टिप्पणी किया है वो निर्भया से ज्यादा रेपिस्ट है। कार्रवाई होना चाहिए। इन MP चुनाव आयोग को तुरंत और सुप्रीम कोर्ट को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। मैं चैन से बैठूंगा हम लोग नहीं, जब तक नफरत की राजनीति, देश को बांटने की राजनीति, इन लोगों की फंडिंग इजराइल से होती है और ये नफरत पैदा कर रहे हैं, देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए लड़ाई आर पार है और लड़ाई में कोई समझौता अब नहीं होगा। 1.5 महीना से सड़कों पर है, जब तक नफरत खत्म नहीं करेंगे। दिल्ली में ये हिंदू मुसलमान की प्रकाष्ठा कर दिया, इनके पास हिंदू मुसलमान और देश के बांटने के अलावा अब कोई चारा नहीं है।